चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखो वृत्त का केंद्र O है, एक वृत्त दे रखा है, वृत्त का केंद्र क्या है O है और वृत्त की त्रिज्या है यानी O A कितनी है 3 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी वृत्त की त्रिज्या O A 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पर कोण बना रहा है, कितने कोण बना रखा है यानी कोण ए ओ बी 90 डिग्री है, ओ ए साथ 3 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी एक वृत्त का केंद्र ओ है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है यानी कोण ए ओ बी है वो 90 डिग्री है, हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यानी छायांकित जो भाग है इस भाग को हम कहते हैं लघु वृत्तखंड या वृत्तखंड कहते हैं, इस वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले लिखते हैं वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या देखो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या है बराबर 3 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, केंद्रीय कोण यानी चाप द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण है वो है 90 डिग्री है। हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखो इसको अलग करते हैं, पाई का मान रखते हैं 22/7 गुणा पाई का मान हम रखते हैं 22/7 आर हमें दे रखी कितनी दे रखी है 3, तो 3 गुणा थीटा का मान कितना है 90 डिग्री है, थीटा का मान 90 डिग्री है बटा 360 माइनस 1/2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा साइन 90 डिग्री बराबर, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं 22/7 गुणा 3 को 3 से गुणा कर लो 9 आ जाएगा, या इसको एक बार काट लो आगे काट लेंगे, इसको एक बार लिख लो 3 गुणा 3/360 गुणा 90 माइनस 3 को 3 से गुणा कर लो यहाँ हो जाएगा, या 1/2 लिख लो 1/2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा साइन 90 का मान होता है 1। अब इसको आगे हल कर लेते हैं, देखो काट लो 90 को इसमें 2 के 2 आ जाएगा 4 9 6 36 होता है 4 बार यानी 7, ये तो कट गया। अब देखो 4 का भाग यहाँ 2 का भाग दोगे 4 में तो 2 आ जाएगा और इसमें बाहर दोगे तो 11 आ जाएगा, 11 33 33 99 यहाँ आ जाएगा ऊपर 99/7 14 99/14 माइनस 3 को 3 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा 9/2 हो गया। अब हम देखो इसमें क्या करेंगे, 99/14 का भाग देते हैं 9 में 2 का देते हैं तो 99/14 का भाग दे लो 99 में 14 का भाग 14 5 70 14 6 84 14 7 98 यानी 14 7 98 बच गया 1 उतारा 0 पॉइंट यानी उतर 0 उतारने के भाग नहीं जाता तो यहाँ हो जाएगा 0.0 फिर 1 0 उतार 14 7 98 यानी 7.07 14 7 98 7.07 यानी 7.07 माइनस 9/9 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4.5 इसमें से घटा लो यानी 7.07 में से 4.5 घटा लो 7 यहाँ 10 10 में से 5 गए 5 यहाँ बच गए 6 6 में से 2 गए 6 में से 4 गए 2 2.57 तो 2.57 क्या आ जाएगा प्रति सेंटीमीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल 2.57 वर्ग सेंटीमीटर 2.57 वर्ग सेंटीमीटर वो होगा, वो क्या होगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल।